लाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यूरिया घोटाले का एक मुकदमा सुना था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो यूरिया घोटाला हुआ था, 133 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने फैसला दिया कि 133 कोटि रुपए देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो जिसके भी खाते में है वो भारत में वापस आना चाहिए। तो सीबीआई ये जजमेंट की कॉपी लेके स्विट्जरलैंड गई, खाता ट्रेस हुआ तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया और भारत की जेल में लाकर बंद किया और आज भी वो जेल में है। उसके पिता तो स्वर्गवासी हो गए, नरसिम्हा राव का बेटा जेल में है और जो खाते में पैसा जमा था वो खाता जब्त हुआ, 133 कोटि रुपए वापस आया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के खजाने में आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जो कहना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का आ सकता है, सब घोटालों का पैसा आ सकता है। घोटाला घोटाला सब एक, पैसा पैसा सब एक, वो भी आ सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो चुका है, आपको जानकारी मैं देने आया, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है मुकदमा, केस फाइल हो गया है, 27 सितंबर उसकी तारीख है, उस दिन बहस होगी, आपको सूचना मिलेगी अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम। कोर्ट क्या कह रहा, कोर्ट ने नोटिस दे दिया सरकार को, कोर्ट का नोटिस सरकार को गया है कि आप जल्दी से बताइए किस किस के खाते हैं, किस किस का पैसा। सरकार इस समय घबराई हुई है, घबराई क्यों हुई है, जिनके खाते हैं जिनका पैसा है उनके समर्थन पे सरकार टिकी हुई है और चल रही है, तो उनकी घबराहट इस बात से है। अब कोर्ट का डंडा अब सरकार पे पड़ेगा और कोर्ट जब सख्ती करेगा तो सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा। सरकार ने अभी एक पत्र भेजा है स्विट्जरलैंड में, वहां से बात आई है और स्विट्जरलैंड सरकार पता है क्या कह रही है, भारत सरकार ने पत्र इतना कमजोर लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा पत्र भेजो, ताकतवर पत्र भेजो ताकि हम वो बता सकें कि किसका कितना पैसा है। लीचेस्टन नाम के एक देश में पैसा है, वहां से पत्र आ गया है कि हम भारत सरकार को सब माहिती देने को तैयार हैं, आप हमसे पूछो किसका कितना पैसा। और अमेरिका नाम का देश हमको कह रहा है कि आप इसकी लड़ाई लड़ो, मैं आपका साथ देने को तैयार, क्योंकि जो बराक ओबामा इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है उसने ये काम किया है अपने देश में। आपको मालूम है बराक ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद जितना पैसा स्विस बैंक में था अमेरिका के भ्रष्ट लोगों का, वो सब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था, 19,740 खाते पकड़े गए अमेरिका के स्विस बैंकों में, वो सारा पैसा 470 अरब डॉलर निकला, वो पूरा अमेरिका को वापस आया। तो अमेरिका ने अगर किया तो भारत भी कर सकता है, और बराक ओबामा कह रहा है कि मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। एक बार किसी ने पूछा बराक ओबामा से, तुम भारत की मदद क्यों करना चाहते हो, तो कहता है कि भारत मेरे नेता का देश है। तो किसी के समझ में नहीं आया मेरे नेता का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा जिसको मैं नेता मानता हूं उसका देश है भारत। तो किसको मानते हो, तो उसने कहा महात्मा गांधी। बराक ओबामा की मेज पर महात्मा गांधी की फोटो है और उसके घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। जब उसने चुनाव लड़ा था तो हनुमान जी की प्रतिमा भारत से मंगाई थी, उसको मंदिर बना के स्थापित किया उसने अपने घर में। बराक ओबामा आधा क्रिश्चियन है आधा मुसलमान है, लेकिन बजरंग बली का भक्त है, महात्मा गांधी का चाहक है। तो कहता है कि बजरंगबली और महात्मा गांधी का देश है भारत, इसलिए मैं मदद करना चाहता हूं। वो तैयार है, वो भारत सरकार को कई बार कह चुका है कि अगर स्विट्जरलैंड की सरकार कुछ गड़बड़ करे तो मुझे बताओ, क्योंकि उसने अभी स्विट्जरलैंड की सरकार का स्क्रू टाइट करके पैसा निकलवाया। तो बराक ओबामा मदद करना चाहता है तो हम मदद ले सकते हैं, और वो ना भी करे तो हम अकेले भी कर सकते हैं। हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करके भी ये पैसा ला सकते हैं, हम स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड है कितना बड़ा देश, छोटा सा, आर्मी उसके पास नहीं, एयरफोर्स उसके पास नहीं, नेवल फोर्स उसके पास नहीं, पुलिस उसके पास नहीं,
थोड़ा अगर हम टाइट कर दें एक मिनट में दे देंगे वो सारा पैसा। तो इसलिए दादागिरी करके भी ला सकते हैं, कानून से भी ला सकते हैं, संसद की मदद से ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मदद से ला सकते हैं, रास्ते बहुत हैं। पैसा ये लाना है 110 लाख करोड़। फिर आप बोलेंगे इसका करना क्या है, करना क्या है, देश का विकास करना है जो नहीं हुआ 62 साल। तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में 100-100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गांव में, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं, तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च होगा। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग। हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है। जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है, और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं। अगर 100% लोग खादी खरीदें तो 2 लाख गांवों में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदें? खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला क्षेत्रकारी जो कपास उत्पन्न करता है, खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है, वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी क्षेत्रकारी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के क्षेत्रकारी आत्महत्या ना करें, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही क्षेत्रकारी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता। भाव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है। और बिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि आप टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट पहनते। ये टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे, सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है। करोड़पति को 10 करोड़पति आप बना रहे हैं, 10 करोड़पति को अबजपति बना रहे हैं। क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की? कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं, पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा, और अंबानी बंधुओं की 1 मिनट की इनकम 20,000 रुपए है। आप उस 20,000 को और 30,000 बना रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं देश? जो भूखा मर रहा है शेतकरी, उसकी सेवा करिए, उसके घर में पैसा दीजिए। और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदिए। और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी, खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी, खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है, खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा है। मैंने एक दिन सोचा कि एक एक दो दो कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम, हमारी तौलिया, हमारा रूमाल, हमारा एक कुर्ता, एक पजामा, ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश में और 2 लाख गांव में उद्योगों की स्थापना हो सकती है। दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गांव में हो सकता है, वो क्या है? भारत में लगभग 1,75,000 गांव हैं जहां गन्ना पैदा होता है, ऊस पैदा होता है, और उस ऊस से हम गुड़ बना सकते हैं और वो गुड़ हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें? साखर का एक्सपोर्ट करो, गुड़ का इस्तेमाल खुद करो। साखर खाने में अच्छी नहीं है, गुड़ सबसे अच्छा है। साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं एक ही मिनट में। आप खाना खाइए, मान लीजिए आप 400 ग्राम खाना खाते हैं एक बार में, इससे ज्यादा कोई खा नहीं पाता। 400 ग्राम खाना खाया और 10 ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद, तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा, पचा देगा, इतनी ताकत 10 ग्राम गुड़ में है। और अब इसका उल्टा बता देता हूं, आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से एक चम्मच साखर आपने खाई, तो एक चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, फिर भी वो पचेगी नहीं आपको। इतना अंतर है साखर और गुड़ में। इसलिए खाना है तो गुड़ खाइए, साखर बंद करिए। तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कारखानों का क्या होगा? ये चलाएंगे हम, विदेशों में बेचेंगे साखर को, जिनको खानी है खाएं।
मरना है मरे, हमसे क्या ले लो, डायबिटीज में मरो, हार्ट अटैक में मरो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मरो, हमको क्या लेना है ले लो। फिर उनको जागृति आ जाएगी, विदेशों में भी जागृति आएगी, तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे, तो अच्छा है सब कारखाने बंद करके गुड़ बनाएंगे हम, तो सारी दुनिया को खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे। आपको मालूम है साखर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, गुड़ बनाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट में हो जाता है, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते, बहुत आसानी से हो जाता है। और कोल्हापुर सतारा सांगली के सब शेतकरी गुड़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं तो बात ही कुछ और है, वो है काकवी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो गुड़ से भी अच्छी है, गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी गुड़ से भी 100 गुना अच्छी है। और काकवी बनाना तो सिर्फ शेतकरी जानता है, इसका माने टेक्नोलॉजी उसके हाथ में, हम अगर उसको प्रमोशन करें, गांव गांव में जहां भी ऊस उत्पन्न हो रहा है वहां काकवी बने, बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके, लोग खरीदने को तैयार, क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती नहीं, हम दे सकते, तो दूसरा उद्योग ये चल सकता है। तीसरा एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है तेल का, हमको मूंगफली का तेल चाहिए, शेंगा का तेल चाहिए, तिल का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, और ये सब शेंगा तिल गांव में उत्पन्न होता है, 2 लाख गांव है जहां शेंगा होता है, जहां तिल होता है, जहां सरसों होती है, हर जगह तेल निकल सकता है गांव में, बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है, तेल निकालने का वो पहले एक छोटा सा कोल्हू चलता था बैल की मदद से, वो अभी फिर चल सकता है, और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तेल अगर हम खाएं तो हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है, और अभी जो डब्बाबंद तेल हम खाते हैं उससे LDL और VLDL बढ़ता है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। हमारे जो पुराने लोग थे ना पूर्वज, वो तेल वही खाते थे जो कोल्हू से निकलता था, धीरे 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 धीरे, जानते हैं उसमें खासियत क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का, बहुत धीमे धीमे निकलता है, तो तेल की सारी पौष्टिकता जो उसका प्रोटीन तत्व है वो जिंदा रहता है उसमें, और उसी कारण किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। हमारे पुरखे बहुत तेल खाते थे, तूप भी बहुत खाते थे तो भी हार्ट अटैक नहीं आता। अभी हम डब्बा बंद तेल खाते हैं, ये डब्बा बंद तेल मशीनों से निकलता है, मशीन से जब तेल निकलता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पौष्टिकता जल जाती है, फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते, सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़सेड़ करने का, मिलावट करने का। आपको मालूम है शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते हैं, और वो तेल आपको हजम नहीं होते, फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। तो हम शुद्ध तेल गांव गांव निकलवाएंगे, बैलों से फिर तेल का कोल्हू चलवाएंगे, बैलों को काम मिलेगा, शेतकरी को काम मिलेगा, तेल का डब्बा गांव से भर के शहर में आके बिकेगा, और इस तेल को खाने के लिए लोग तैयार हैं, देने वाले नहीं है। 56,000 करोड़ रुपए का बाजार है तेल का हिंदुस्तान में, हम कम से कम 10 करोड़ शेतकरी को रोजगार दे सकते हैं तेल के उद्योग, ये हम करेंगे। फिर और एक काम हो सकता है, भारत में गेहूं उत्पन्न होता है, लगभग 2.5 लाख गांव है जहां गेहूं होता है, जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है। अभी गेहूं का आटा शहर में बनता है मशीन से, उसमें भी वही समस्या है, मशीन बहुत तेज घूमती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आटे की पौष्टिकता खत्म हो जाती है। हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आटे की, हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चला के आटा पीसा है, और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? जब वो चक्की चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है वो गर्भाशय की होती है, पेट की होती है, और माँ का गर्भाशय सबसे ज्यादा लचीला बनता है जब आप वो चक्की चलाते हैं, और अगर गर्भाशय फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का जन्म सबसे आसानी से हो सकता है। तो माँ के लिए बच्चे का जन्म आसान है, वो तो एक बात है, फिर हाथ से पिसा हुआ आटा खाएंगे, जिंदगी में कोई त्रास नहीं हो सकता पेट का, क्योंकि धीरे धीरे पीस कर बना। और हमारी तो तैयारी ये है कि जो पुरुष हैं और जिनके पेट बाहर निकले हैं उनसे भी चक्की चल रहा है, उनका भी पेट अंदर चला जाएगा, वो स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे।
ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना, स्वामी रामदेव जी चलवाते हैं कि नहीं, फिर असली में चलवाएंगे, गांव गांव में आटा भी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको बेस्ट क्वालिटी। और आपको माहिती है शेतकरी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो, तो गेहूं क्यों बेचना, आटा बना के बेचना ना, फिनिश प्रोडक्ट देना, रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं लाना। भारत में 90,000 गांव है, 90,000, जहां बटाटा उत्पन्न होता है। अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से और शहर में बिकवाएंगे। विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं। रफल्स है, हॉस्टेस है, टॉप रेमन है, ये सब 400-500 रुपए किलो के हैं। हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए 100 रुपए किलो बेचे, करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गांव में, टमाटर का सॉस गांव में बन सकता है, वो शहर में बिक सकता है। अचार है, मुरब्बा है, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में चल सकते हैं। और एक उद्योग में 10 लोगों को भी काम मिला तो 1,000 लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है। और अगर 1,000 लोगों को गांव में रोजगार मिला तो 1,000 परिवार की जिंदगी सुधरेगी, इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भागकर वापस जाएंगे, क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा। शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो जाएंगी। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से, वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है, जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोंपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे, फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे, बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना है, आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, और 10 गांव को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा। अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं, 1,000 मेगावाट के, 1,500 मेगावाट के, उनकी समस्या क्या है कि वहां जो बिजली उत्पन्न होती है 11,000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है। तो 11,000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं, हजारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, एक यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या करें, छोटे पावर स्टेशन बनाओ, 1 मेगावाट का बनाओ, 2 मेगावाट का बनाओ, तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो, तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े। तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग, कारखानों में अलग, रेलवे के लिए अलग, ये 3 स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी। और 35-37% हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं, छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं। ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, सब हो जाएगा, गांव में कुछ नहीं बचेगा तो भी हमारे पास 60 लाख करोड़ बचेगा, 50 लाख कोटी में सब काम हो जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। और 60 लाख कोटी जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से, उसका 10% का ब्याज भी मिला साल का तो 6 लाख कोटी हो गया। उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को 0 टैक्स बना लेंगे। अभी अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 64 तरह के टैक्स, 23 अंग्रेजों के और काले अंग्रेजों के, 64 तरह के सब टैक्स खत्म कर दें तो भी ये देश चलेगा, एक भी टैक्स हम नहीं लें। इनकम टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज खत्म, सेल्स टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म, सारे टैक्स खत्म। फिर आप बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा, जो बचा पैसा है स्विस बैंक का उसके ब्याज पे चलेगा, और कभी कमी पड़ेगी पैसे की, वैसे तो पड़ेगी नहीं क्योंकि विकास का सब काम हो गया तो फिर पैसे की जरूरत क्या।
अगर मान लीजिए कमी पड़ेगी तो लोगों से दान मांग लेंगे। भारत के लोग तो बहुत दान देते हैं, देश के लिए भी दान देंगे। कारगिल युद्ध हुआ तो लोगों ने दान दिया, गुजरात में भूकंप आया तो दान दिया, उड़ीसा में बाढ़ आई थी तो दान दिया, बिहार में अभी बाढ़ आई थी तो हमने दान दिया। तो भारत के लोग तो दान देते हैं, दानवीर हैं, दान मांग लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो। और मुझे लगता है कि दान ज्यादा देंगे, टैक्स नहीं देते, क्योंकि टैक्स वीर नहीं है, दानवीर है। इस देश के ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो टैक्स में पैसा बचाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स रखते हैं और रोज दान देते हैं लाखों रुपए। मैं उनको कहता हूं लाखों रुपए आप दान दे रहे हो तो टैक्स में क्यों नहीं देते। वो मुझे बहुत गहरी बात कहते, वो कहते राजीव भाई भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते, ये टैक्सेशन का डिपार्टमेंट कुपात्र लोगों का, इनको हम एक पैसा भी नहीं दे सकते, सुपात्र को हम चाहे उतना दे सकते। मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया, आप सोचेंगे हैरान हो जाएंगे, हर आदमी चाय के एक प्याले के बराबर का धन, चाय का एक प्याला 5 रुपए का है ना, हर आदमी 5 रुपए भारत देश को रोज दान दे दे तो साल भर का कुल कलेक्शन इनकम टैक्स से 3 गुना ज्यादा आता है। इतनी ताकत है दान में। और हम जब सारे टैक्स खत्म कर दें, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, तो लोग तो और ज्यादा दान दे देंगे, क्योंकि उधर से पैसा बचेगा उनका, देश के लिए दान देने में किसी को त्रास नहीं। वो ये कहते हैं कि दान लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए, लोग तो करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं इस देश में। तो हम दान आधारित देश चलाएंगे। और अगर कभी टैक्स लगाना भी पड़ा, मान लीजिए वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हमने हिसाब जोड़ रखा है कि अगर टैक्स की कहीं कोई थोड़ी भी जरूरत पड़ी तो भारत में जो ट्रांजेक्शन होता है रोज का बैंक में होता है चेक और ड्राफ्ट से 1,25,000 करोड़ रोज का, कैश में ट्रांजेक्शन होता है 5,00,000 करोड़ का, दोनों जोड़ दें तो 6,25,000 करोड़ का डेली ट्रांजेक्शन है, एक साल का ट्रांजेक्शन निकालें तो 365 का गुणा कर दें। इस पूरे ट्रांजेक्शन पर अगर 2% टैक्स ले लें तो आज के टैक्स से कुल मिलाकर 3 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है, सिर्फ 2% ले लें, और 1% ले लें तो आज के कुल टैक्स से 1.5 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। माने पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी इस देश में। और लोग मुझे कहते हैं कि आप 64 तरह के टैक्स हटा दो, हम बहुत आसानी से आप जो कहोगे वो दान में दे देंगे। इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों को मैंने बात की है, वो ये कहते हैं कि आप ये कर दो काम, हम आपको गारंटी देते हैं कि 1,000 गांव को हम उतनी सुविधाएं दे देंगे जितनी शहर में। और 1-1 भारत का बड़ा उद्योग, टाटा, बिरला, डालमिया वगैरह वगैरह, 1,000 गांव को अगर गोद लेकर विकास कर दे तो भारत के हर गांव की तकदीर बदल जाएगी, कहानी दूसरी हो जाएगी। वो ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, जो हम सरकार को दे रहे थे टैक्स में वो गांव को लगा देंगे, हमें तो पैसे लगाने ही हैं। तो विकास की सारी योजनाएं इस तरह से हम बना सकते हैं, इस देश को 0% बना सकते हैं। और 0% होते ही 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि महंगाई एकदम नीचे आएगी, 70% चीजों के दाम एक झटके में खत्म हो जाए। जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो 30 रुपए की। अगर हम सारे टैक्स खत्म कर दें इस देश में से, तो मैं आपको छोटी बातें बताता हूं, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, 1 लीटर डीजल मिलेगा 7.5 रुपए का, 1 रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, 1 पेन आपको मिल जाएगा 2 रुपए का, दाल मिल जाएगी 12-15 रुपए किलो, चावल मिल जाएगा 17-18 रुपए किलो, साखर मिल जाएगी 12-13 रुपए किलो। आप न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस आए 7,000 रुपए में सब काम हो जाएगा, जो अभी 90,000 में होता है। आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ेगा IIT में तो 5 साल का खर्चा 25,000 आएगा, जो अभी 5 लाख आता है। MBBS करेगा तो 5 साल का उसका खर्चा 35-40,000 आएगा। सब टैक्स कम होंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी, और जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बिताने का रास्ता खुलेगा। और एक सबसे बड़ा काम यह होगा कि आपको अभी बहुत पगार मिलती है तो भी घर खर्च नहीं चलता, क्योंकि महंगाई आपकी मार करती है, फिर पगार थोड़ी सी भी मिलेगी तो घर खर्च बहुत अच्छे से चलेगा।
मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि वो सरकारी नौकरी में पहली बार आए तो उनको 250 रुपए की पगार मिली थी, उसमें उन्होंने घर का सारा खर्च चलाया था और 3 तोला सोना खरीदा था पहली पगार से। 250 रुपए मिली थी घर का खर्च चलाने के बाद, 3 तोला 30 ग्राम सोना खरीदा। और वो कहते हैं हर महीने में मैं 30 ग्राम सोना खरीदता था, इतनी 250 रुपए की वैल्यू थी। अब 3 तोला सोना खरीदना हो तो 30,000 तो ऐसे ही चाहिए, अब तो 45,000 चाहिए। 45,000 तो सोने के लिए चाहिए, 15-20,000 घर चलाने के लिए, माने 50,000 का खर्चा मिले तो 3 तोले सोना खरीदे और घर खर्च चले। इतनी महंगाई बढ़ी है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है। ये खत्म कर सकते हैं हम, कम पैसे में जिंदगी गुजर सकती है, कम पगार में जीवन चल सकता है। और कम पगार में जीवन चलने लगे तो 6th pay commission की जरूरत नहीं, 5th pay commission की जरूरत नहीं, 4th pay commission की जरूरत नहीं। ये सब खत्म कर सकते हैं, व्यक्ति को असमानता से निकालकर हम समानता में ला सकते हैं, ये व्यवस्थाएं हो सकती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर टैक्स खत्म हो जाए इनकम टैक्स, तो काला धन रह नहीं सकता, ब्लैक मनी होगा नहीं। ब्लैक मनी होगा नहीं तो कोई बेईमान हो नहीं सकता, सब ईमानदार हो जाए। और जिनके पास काला धन नहीं है वो रिश्वत किसी को दे नहीं सकते। जब मनी ब्लैक होता है तभी रिश्वत दी जाती है और ली जाती है, जब काला धन रहेगा नहीं तो कोई रिश्वत देगा नहीं, कोई लेगा नहीं। तो ईमानदारी ऐसे ही पूरे देश में आ जाए। और एक बड़ा काम होगा, काला धन होगा नहीं तो सब धन सफेद होगा, सफेद होगा तो या तो बैंकों में जमा होगा या उद्योगों में लगेगा, व्यापार में लगेगा, या लोग उसको खर्च करेंगे। अभी भारत में 36 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, इनकम टैक्स खत्म करते ही ये सारा सफेद हो जाए। और जब धन सफेद हो जाएगा तो कोई भी उस धन का एक पैसा स्विस बैंक में ले जाके जमा करेगा नहीं, क्योंकि वो व्हाइट मनी है, वो ब्लैक नहीं। तो स्विस बैंकों में पैसा जाना बंद हो जाएगा, जो पैसा जमा होगा वो भारत की बैंकों में ही जमा होगा, और जो यहां जमा होगा पैसा वो यहां की समृद्धि बढ़ाने के काम में आएगा। माने बहुत जल्दी हम इस देश को सोने की चिड़िया फिर बना लेंगे, मुश्किल कुछ नहीं। एक काम हम और करना चाहते हैं कि जो बड़े नोट हैं हमारे देश में, 1000 के, 500 के, 100 के, ये बंद करना है, छोटे नोट चलाना। क्यों? अभी पाकिस्तान एक देश है जो नकली नोट छाप छाप के हमारे यहां डालता रहता है, आपको मालूम है। और हमारी करेंसी में 15% नोट अभी नकली आ चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से नकली नोट निकल रहे हैं, ये हालत हो गई है। कहां से आ रहे हैं? सब पाकिस्तान छाप के डाल रहा है। पाकिस्तान से जो एजेंट आते हैं नकली नोट लेकर, उनको अभी थोड़े दिन पहले CBI वालों ने पूछा और कहा कि तुम 1000 के नोट लाते हो, 500 के लाते हो, 100 के लाते हो, 50 का नोट क्यों नहीं लाते? तो कहते हैं पाकिस्तान छापता नहीं वो 50 का नोट। क्यों नहीं छापता? तो एक एजेंट ने कहा कि 50 रुपए का नोट पाकिस्तान में छपे और भारत में लाकर उसको हम चलाएं तो 55 रुपए खर्च होते हैं, इसलिए हम 50 का नोट नहीं छापते, 1000 का, 500 का, 100 का। अब पाकिस्तान की इस योजना को विफल करना हो तो आप 1000, 500, 100 के नोट बंद कर दो, 50 के ही नोट रखो। और 1000, 500, 100 के नोट जिनके भी पास है, एक दिन रिजर्व बैंक ऐलान करे कि आप उसको एक्सचेंज कर लो, बैंक आपको 50 के नोट दे देगा। दो फायदे होंगे, पाकिस्तान की योजना ध्वस्त। दूसरा फायदा होगा कि फिर कोई माई का लाल रिश्वत कैसे देगा वो हम देखेंगे। अभी 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफ केस में 1000 के नोट भर के दे आता है कोई, फिर 10 कोटी की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। देने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान, कोई आदमी ट्रक भरा हुआ कहां रखेगा घर में, और जो देने जा रहा है वो कितनी जगह चेक होगा और पकड़ा जाएगा। तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी सब अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये, अपने भारत में 84 कोटी लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 20 रुपए ही खर्च कर पाते हैं, तो उनको तो 1000 के नोट की जरूरत नहीं, उनको तो 20 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। तो उसके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा, बड़ी करेंसी के नोट हम खत्म करना चाहते हैं। और एक दो काम हम करना चाहते हैं इस देश में, शिक्षा व्यवस्था इस देश की बदलना चाहते हैं, स्वदेशी शिक्षा हमें लानी है।
ये जितनी अर्थव्यवस्था की बातें हैं वो हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था में हम ये करना चाहते हैं, शिक्षा में स्वदेशीकरण करना चाहते हैं। अभी शिक्षा